मेरा नाम खुशहाल कुमार और ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो इसका BXi वेरिएंट है, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, रिमोट सेंटर लॉकिंग हो गई और काफी फीचर्स आपको इसके BXi वेरिएंट में मिल जाते हैं। उसके बेस वेरिएंट में कुछ ऐसे फीचर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके बेस वेरिएंट में ना ही आपको पावर विंडो मिलेंगी रेयर वाली। अगर आप आफ्टर मार्केट वर्क कराना नहीं चाहते हैं तो आप इसके BXi वेरिएंट को देख सकते हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट वर्क कराने की सोच रहे हैं, जैसे आप अलॉय व्हील्स डलवाएं या फिर आप लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम डलवाने की सोच रहे हैं, सारे लेटेस्ट वर्क कराने की सोच रहे हैं आप स्विफ्ट में, तो आप इसके बेस एंड के साइड जा सकते हैं। पर लेकिन अगर आप बेसिक फीचर्स चाह रहे हैं उसके बाद आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराना चाहते हैं तो BXi वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और 6,82,000 रुपीज कार का एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस इस कार का बिजनौर उत्तर प्रदेश में है 7,75,000 रुपीज का विदाउट एसेसरीज। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है आपकी सिटी में क्या है इस कार का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा इस कार का। या फिर आपको किसी और कार का भी ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपकी सिटी का नाम और कार का नाम। इस टाइम मैं खड़ा हूँ मारुति सुजुकी चकुमरी शोरूम पर, इनके कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस कार पे कुछ ऐसी लगी हुई है जैसे टेल लाइट के साइड में हो गया, जो भी ऐसी लगी हुई है वो आपको वीडियो में दिखा दूंगा। अगर तुम्हें इस कार की तो उस तरह की आपको इस कार में की मिल जाएगी। रिमोट सेंटर लॉकिंग रहने वाली है, जिस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो रहने वाला है, दोनों की आपको उसमें सेम दी जाएगी। और ये रही इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और इंडिकेटर में रहने वाला बल्ब। और ये रही ग्रिल इस कार की, बीच में हो गया सुजुकी का लोगो, क्रोम मिल जाएगा। और जो क्रोम लगा हुआ ये एसेसरीज का पार्ट है, जैसे यहाँ पर फोग लैंप्स आपको उसके BXi वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, ये भी इसका एसेसरीज का पार्ट रहने वाले हैं, इनको आप शोरूम से लगवा सकते हैं। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल इस कार की। और ये रही साइड प्रोफाइल, 14 इंच के आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स, बने 65x80 R14 इनकी प्रोफाइल रहने वाली है। और ये रहा इस कार का ORVM, जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाला इस कार का ORVM। इंडिकेटर भी आपको इस कार के ORVM पर ही दिया जाएगा। और डोर हैंडल हो गया बॉडी कलर का, और जो बैक डोर हैंडल रहने वाला है वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। और मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, जैसे आप देखते कुछ तरह का रहने वाला इंटीरियर इस कार का। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको सभी फीचर्स दिखा दूंगा इस कार में, आपको क्या क्या ऑफर करे जाएंगे। ORVM को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं। फिर ये कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। और ये बैक प्रोफाइल इस कार की, ऊपर की साइड आपको एंटेना मिल जाएगा, इंडिकेटर स्पॉयलर मिल जाता है, जो स्पॉयलर लगा हुआ है ब्लैक वाला, ये सीरीज का पार्ट है। हेमंड स्टॉप लैंप हो गया यहाँ पर, रियर बाय 44 बोसे जैसे फीचर्स आपको इसमें नहीं दिए जाएंगे। और ये इसकी LED टेल लाइट, जो कि आपको इसके बेस रेंट से ही ऑफर करी जाती है। सुजुकी का हो गया लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग, पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर चार। अब चलिए फिर मैं आपको उस कार का बूट दिखा देता हूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको उस कार के बूट में। पाश ट्रे मिल जाती है आपको यहाँ पर, और स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर नीचे साइड मिल जाएगा। तो वैसे आपने देखा कुछ तरह का था इस कार का एक्सटीरियर लुक। बेसिक फीचर्स आपको उसमें सारे मिल जाते हैं एक्सटीरियर से, जैसे आपको उसमें व्हील कवर्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर के ORVM, बॉडी कलर के डोर हैंडल्स। और फ्रंट प्रोफाइल देखें आप इस कार की, बैक प्रोफाइल देखें, सब कुछ बेस्ट मिलने वाली है। बस इसके BXi वेरिएंट में आपको फोग लैंप्स देखने के नहीं मिलते हैं। इस कार में आपको 1200cc का इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर डुअल जेट, जो कि प्रोड्यूस करता है 89 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की 37 लीटर की है। फ्यूचर में आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। बाहर से देखने में उस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला है, और ये वही पैटर्न आपको उसके डोर पे मिल जाएगा पूरा ब्लैक कलर में। दो अपना हो गया क्रोम कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिए जाएंगे आपको उस कार के ORVM, जिससे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। पावर विंडो हो गई, लॉक अनलॉक के लिए हो गया, बाटर वाटर स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। और बाहर से देखने में उस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, जिसमें आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट हो गया फीचर और रिक्लाइन करने का। और ये इस कार का बैक डोर, दो अपना क्रोम कलर का, पावर विंडो, बाटर बॉटल की हो गया स्पेस, स्पीकर। तो ये इस कार का इंटीरियर जो कि पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला है। क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के BXi वेरिएंट में ऑफर करे जाएंगे वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही, उस तरह का स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, लेदर रैप जो करा गया है इसका सीरीज का पार्ट है। और ये बीच में हो गया सुजुकी का लोगो, क्रोम मिल जाएगा आपको यहाँ पर सर्कुलर में, स्टीयरिंग ऑयल कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, SRS एयरबैग क्योंकि बेजिंग, फ्रंट टू एयरबैग्स रहने वाले हैं इस कार में। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरपीएम मीटर हो गया यहाँ पर, स्पीडोमीटर हो गया यहाँ पर, बीच में कितने साइज की मिल जाएगी आपको इसमें MID, जिसमें आपको इसके फ्यूल का कितना चल गई है कार, क्या टाइमिंग है वो आपको उसमें दिखता रहेगा। कुछ इसमें अलर्ट लाइट्स रहने वाली इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और ये ड्राइवर साइड AC वैन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का सेंटर कंसोल, सर्कुलर में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर AC वेंट्स, बीच में हो गया हजार्ड लाइट का बटन। और 2D का मिल जाएगा आपको उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि देखने में तो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह लगता है,
टच बटन्स मिल जाएंगे, मैनुअल एसी दी जाती है, कुछ तरह के कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, यूएसबी पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, थोड़ा स्पेस हो गया फिर यहाँ पर कप होल्डर्स। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ तरह का गेयर नॉब दिया जाएगा आपको इस कार में। सिल्वर फिनिश हो गई, और यह इस कार का हैंड ब्रेक, आपको थोड़ा स्पेस फिर यहाँ पर मिल जाता है। और ये रहा इस कार का सनवाइजर, बैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का कैबिन लैंप, हैलोजन मिल जाता है आपको। IRBM मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको उसमें। और ये रहा ड्राइवर सेट का सनवाइजर, बैनिटी मिरर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहेंगे इस कार में, जिस पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और बैक में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएगी, जब मैं रेयर सीट पर चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा। और ये रहा बैक डोर इस कार का, डोर नो हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो हो गई, बाटर बटर स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। और ये रहा इस कार का ग्लव बॉक्स, कुछ इतने साइज का ग्लव बॉक्स रहने वाला है यहाँ पर, आपको ग्रे फिनिश मिल जाती है। तो ये फीचर्स में तो कोई भी कमी नहीं रहने वाली है इस कार के BXI वेरिएंट में। अगर आप इसके इंटीरियर में देखते हैं तो स्टीयरिंग वॉल कंट्रोल्स मिल जाएंगे, 2D का हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम, कुछ तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला जो कि देखने में स्पोर्टी फील करा देगा आपको। सर्कुलर में आपको रेड कलर की थीम मिल जाती है। अब मैं आपको रेयर सीट पर लेके चलता हूँ उस कार के, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो कितना लेग रूम रहने वाला है इस कार में। लेग रूम और हेड रूम में कोई भी कमी नहीं रहेगी। बैगनार से तो हाइट कम रहने वाली है इस कार की पर, लेकिन जो विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, वो आपको स्विफ्ट में ज्यादा मिल जाएगी। और रेयर सीट और बैटरी कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। फ्रंट में आपको जैसे ना कोई दिखाई देता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तो बैक में आपको कुछ तरह के फिक्स हेडरेस्ट दिए जाते हैं। वाटर बॉटल हो गया स्पेस यहाँ पर, कुछ साइज का रहेगा बम्प। उसके डोर में भी आपको वाटर बॉटल स्पेस मिल जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। डोर में हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो हो गई, कुछ साइज का वाटर बॉटल हो गया स्पेस। तो भाई ओवरऑल कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर। फीचर्स में कोई भी कमी नहीं रहती है इस कार में, इसके BXI वेरियंट में। जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं उन्होंने आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा किस तरह का था इस कार का बुक रन, जो जो फीचर्स आपको इस कार के BXI वेरिएंट में मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको इस कार का एक्सशोरूम प्राइस बताया दिया था 6,82,000 रुपीज़ का। अगर आपको ये फीचर्स कम लगते हैं तो आप इसके अपर वेरिएंट को देख सकते हैं, जो कि है ZXI वेरिएंट। और इससे एक और अपर वेरिएंट मिल जाता है आपको ZXI प्लस। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोज देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।